वेलकम टू अकेडमी ऑफ बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अकेडमी ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स को एमएससी लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाता है। तो आपने मेरे चैनल पे काफी सारे लेक्चर्स देखे होंगे लाइफ साइंस के रिगार्डिंग, उसी के साथ साथ जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनके भी आपने रिव्यूज देखे होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फिलहाल ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी कर रहे हैं लाइफ साइंस के किसी कोर्स से और फ्यूचर में उन्हें एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो इस वीडियो में आपके काफी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और कहां से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अकेडमी ऑफ बायोलॉजी के साथ प्रिपेयर किया और उनका अच्छी जगहों पर इस बार एडमिशन भी हो गया। अगर बात की जाए एमडीयू की यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की, तो अकेडमी ऑफ बायोलॉजी के काफी सारे स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो एमडीयू के जूलॉजी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, बॉटनी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, उसी के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, ऑलमोस्ट अगर साफ साफ हम कहें तो एमडीयू के सभी डिपार्टमेंट में आपको अकेडमी ऑफ बायोलॉजी के स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ एमडीयू ही नहीं, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आपकी जो मीरपुर में है, इन सभी यूनिवर्सिटीज में भी आपको अकेडमी ऑफ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स देखने को जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाए, पुरानी बातें करें, तो अकेडमी ऑफ बायोलॉजी पे हम मेनली प्रिपेयर करते थे एमडीयू के लिए। सिर्फ एमडीयू का जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है लाइफ साइंस का, सिर्फ उसके लिए हम प्रिपेयर करते थे। बट इस बार 2023 में क्या हुआ कि जो आपकी बाकी यूनिवर्सिटीज है उन सभी में भी एंट्रेंस एग्जाम कर दिया गया, और जो आपकी एमडीयू है और आपकी जो सीबीएलयू और भिवानी में, उन दोनों का जो एमएससी लाइफ साइंस का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो एंट्रेंस का सिलेबस दोनों का सेम है। तो अगर आप एमडीयू के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपका सीबीएलयू के लिए तो उसके साथ ऐसे ही प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो इस बार हमने अपने ग्रुप में कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपेयर की करवाया, स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चलवाई, और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला। इवन कुछ स्टूडेंट्स का तो ये कहना था कि सर बिल्कुल डायरेक्टली वही क्वेश्चन हमें एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिले जो आपने प्रैक्टिस करवाए थे। एंड वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम माई ग्रुप सेड दैट कि सर हमें ऐसा लग रहा था कि आपने ही मतलब क्वेश्चन उस पेपर में डाल रखे हैं। देखो ये सारी आपकी मेहनत है, आपने इतने एफर्ट्स लगाए इसी वजह से आपको वो एग्जाम इतना इजी लगा, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन रहा कि मैंने आपको गाइड किया, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया, बाकी जो भी आपका पार्ट था, आपकी डेडिकेशन थी, आपका हार्डवर्क था, जिसके रिजल्ट की वजह से आप काफी अच्छी जगहों पर आपका एडमिशन हो पाया, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है अभी 2023 वाले बैच में, और काफी सारे स्टूडेंट्स का अभी पॉसिबिलिटी है कि आने वाली काउंसलिंग्स में भी उनका एडमिशन हो जाएगा। तो उसी चीज को देखते हुए इतना ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू इस बार मुझे देखने को मिला जिसके एक्सपेक्टेशन मुझे खुद भी नहीं थी। तो अब जो बच्चे बीएससी अब फिलहाल बीएससी कर रहे हैं, जिनका अभी एक साल बीएससी का रहता है, ऐसे स्टूडेंट्स के भी कॉमेंट्स और मैसेज मेरे पास आने शुरू हो गए हैं कि सर आप 2024 की प्रिपरेशन के लिए ग्रुप कब बनाओगे, कब से आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करोगे। तो भाई तुम्हारे कमेंट्स को देखते हुए, तुम्हारी डेडिकेशन को देखते हुए और तुम्हारा जो ट्रस्ट है एकेडमी ऑफ बायोलॉजी पे उसको देखते हुए आपके लिए एक खुशखबरी है कि आज से ही मैं 2024 की प्रिपरेशन के लिए एमडीयू के लिए एक ग्रुप स्टार्ट करने वाला हूँ। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जाके उसको इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो एक चीज मैं छोटी सी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो जो ये सब्सक्रिप्शन प्लान होगा, जो ये आपका ग्रुप होगा, ये आपका पेड ग्रुप रहने वाला है। मतलब आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा जिसके बाद आपको मेन प्रिपरेशन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एज ए स्टूडेंट आप भी इस बात को समझ सकते हो कि किसी चीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए उसमें एफर्ट्स भी लगते हैं, साथ साथ उसमें पैसे भी लगते हैं। तो उसी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2023 से ही मतलब जो ये ग्रुप बनाया था उसको भी पेड कर दिया था, मतलब जो सब्सक्रिप्शन प्लान था। तो अब की बार भी जो आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, एक ठीक ठाक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। सिर्फ 1500 रुपए आपका एक स्टूडेंट के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान होगा,
जिसमें आपको इस सब्सक्रिप्शन प्लान में सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। हर एक टॉपिक के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू मिलेंगे, साथ साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी एंड उसी के साथ साथ आपको ये भी सब कुछ पता चलेगा कि किस चीज को आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको लगेगा कि नहीं, ये सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत ज्यादा हाई है, ये देखो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा हाई है। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने एग्जाम्पल कोशिश की थी बच्चों तक पहुंचाने की कि आपको इससे बेनिफिट ही होगा। सपोज करो आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो प्रिपेयर करने के लिए आपको कम से कम एक बुक तो परचेज करनी पड़ेगी। और अगर आप मार्केट में देखोगे, कोई भी बुक रैंडम आप उठा लो, उसका प्राइस 1000 से 1500 रुपए के बीच में तो जरूर होगा। और फिर उस बुक में भी आपको इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आपको उसमें आपके हिसाब से सारा सिलेबस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप उस चीज को भी देखें तो ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान के चार्जेस है वो काफी कम है। इतने कम चार्जेस में आपको सारा का सारा मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा और जिसमें बिल्कुल आपको क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही रैंडम उठा के आपको दे दिया, सारी चीजें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। अगर आपका कोई ऐसा नोन है जिसने अकेडमी बायोलॉजी से पहले पढ़ा है या उस ग्रुप में थे जिन्होंने प्रिपरेशन की हमारे साथ, आप उनसे भी इस चीज का रिव्यू ले सकते हो कि आपको अकेडमी बायोलॉजी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। एंड एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब तक आपके सारे डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक जल्दबाजी मत करना, अपने डाउट क्लियर करने के बाद ही सब्सक्रिप्शन प्लान को परचेज करना और जब आपको बिल्कुल फुल इंटरेस्ट हो जाए तभी आप उस चीज में आगे कंटिन्यू करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो और मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 8307626488। तो आप कॉल भी मुझे कर सकते हो, अगर मैं फ्री होगा तो आपकी कॉल का रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। अदरवाइज अगर आप टेक्स्ट करते हो तो आपको टेक्स्ट का जवाब जरूर मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इस सब्सक्रिप्शन प्लान में सारे के सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी चीज को आप मतलब किसी चीज के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब कोई स्टूडेंट पर प्रिपरेशन करने लगता है तो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों के पास स्टडी मटेरियल नहीं होता है। स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो तैयारी कहाँ से शुरू करेंगे। तो अकेडमी ऑफ बायोलॉजी को ज्वाइन करने के बाद सिर्फ आपके पास एक काम बचता है, वो है सिर्फ याद करने का, बाकी आलतू फालतू टेंशन आपको कोई भी नहीं लेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर आपका कोई कमेंट है मतलब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी उसे ऐड कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे आप जरूर रिव्यू लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली में बेनिफिट होगा या नहीं होगा। एंड आने वाले टाइम में जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है जो अभी के लिए 1500 मैंने रखे हैं वो पूरे के पूरे चांसेस है कि वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। 2023 के टाइम पे भी सेम चीज हुई थी, मैंने इनिशियली जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो काफी कम रखा था बट कुछ टाइम के बाद वो बढ़ गया था। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ साथ और कुछ आपको पूछना है या कोई डाउट है तो आप कुछ भी कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को खत्म करता हूँ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली।